नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं राजगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भोपाल में मतदान किया। दिग्विजय सिंह ने श्यामला हिल्स स्थित मतदान केंद्र पर पत्नी अमृता सिंह के साथ मतदान किया। मतदान के बाद ईवीएम को लेकर कहा कि मुझे न पहले ईवीएम पर भरोसा था और न आज भरोसा है। राजगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजगढ़ में मेरी जीत होगी, लोकसभा चुनाव के परिणाम सबको चौंका देंगे। Is talking of everything else except the national issues. सर, राजगढ़ में आप लोकल मुद्दों को स्थान मतलब केंद्रित रख पाए चुनाव को, ये एफर्ट किया था आपने या दूसरी तरफ से कोई? देखिए, बात यह है, ये संसदीय प्रणाली से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के राजगढ़ से उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं या रोलमल नागर हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी को उनके ही चुने हुए उम्मीदवारों पे भरोसा नहीं है तो 543 सीट पर मोदी खुद लड़े, क्यों नहीं लड़ते? लड़े, संविधान में इसको अधिकार उनको है। और सर, कहां देख रहे हैं इस चुनाव को जाते हुए, क्योंकि बीच में बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने? आप लोग चकित रह जाएंगे। सर, रोडमल नागर जो है वो माफी मांग रहे हैं, अब जनता से बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों के बीच पहुंच नहीं पाया। जी हाँ, हर बार माफी मांगते हैं, पिछली बार ही मांगी थी। सर, आज सुबह से मतदान हो रहा है, कहीं से कोई कंप्लेन आई है क्या? ईवीएम के बारे में आपने बहुत कुछ बोला, अब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप खुद? मुझे तो उस पर ना पहले भरोसा था ना आज भरोसा है, लेकिन इसका जो 5-10% वोट शिफ्ट होता है उससे ज्यादा मुझे समर्थन मिलने वाला है। राजगढ़ में किस तरीके से हम जीत रहे हैं? आज की कंप्लेंट सर सुबह से जी राजगढ़ में अजीब कंप्लेंट आई है सर। पोलिंग बूथ नंबर 24 इन चाचौड़ा, उसमें वोट डले 11 और मशीन बता रही 50। जीतने के बाद तो 1-to-1 देंगे कि उसमें भी एक साथ ही देंगे? जीतने के बाद तो हमको देंगे इंटरव्यू अलग से, समय आने दीजिए। राजगढ़ से सीधे आप नर्मदा जी स्नान करने, आपको ऐतराज है? खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।